नमस्कार, आज हम बनाने जा रहे हैं कपकेक। इसके लिए हमने ओरियो और बबल बिस्किट लिए हैं। एक कढ़ाई गर्म करने के लिए रख दी है। अभी बिस्किट के छोटे छोटे टुकड़े तोड़ लेंगे। आप चाहे तो मिक्सर में पीस भी सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा करके दूध मिलाया है, क्योंकि हमारा घोल ना तो ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। अब इस घोल में हमने आधे से भी कम चम्मच बेकिंग पाउडर और चुटकी भर बेकिंग सोडा मिलाया है। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर और सोडा नहीं है तो बिल्कुल थोड़ा सा इनो उसमें मिला दीजिए। घोल तैयार है। अभी कटोरियों को घी या तेल लगा के ग्रीस कर लीजिए। ऊपर से थोड़ा थोड़ा आटा या मैदा भुरक दीजिए, जिससे केक उसमें चिपकेगा नहीं। अभी केक का जो पेस्ट है वो कटोरियों में हम भर देंगे। अगर आपको चॉकलेट बीच में नहीं डालनी है तो पूरा पेस्ट एक साथ आप डाल सकते हैं। हम यहाँ पे बीच में छोटी छोटी चॉकलेट के पीसेस है वो अरेंज कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को चॉकलेट बहुत पसंद है और इससे केक हमारा और ज़्यादा स्वादिष्ट और ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और जो हमारा बचा हुआ घोल है धीरे धीरे वो ऊपर से डाल देंगे कटोरियों में। घोल का हमेशा ध्यान रखें और बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा भी कभी भी ज़्यादा नहीं डालें, क्योंकि वो शरीर के लिए भी अच्छा नहीं रहता ज़्यादा। अभी जो बचा हुआ घोल वो डाल देंगे और गर्म कढ़ाई में इनको 20 मिनट के लिए रखेंगे। बीच बीच में संभालते रहे। और अगर चाकू के केक नहीं चिपक रहा है, यानी हमारा केक तैयार है, अभी कटोरी को उल्टी करके केक निकाल लीजिए। टूटी फ्रूटी से या कोई भी चीज़ से आप केक को सजाना चाहे सजा लीजिए। देखिए एकदम से स्पंजी और सॉफ्ट केक तैयार है। बनाइए, खाइए, खिलाइए। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। जय हिंद।